एंटी रैगिंग है आज की द्वारा अनुभूति का काम है समझाना, द्वारा समझाना है अनुभूति का काम। अरे बच्चों, हम नहीं, आप बताइए आपकी तारीफ। भैया तारीफ वो तो सभी करते हैं। ओए जरा शाना ना मरने का, ठीक है? सीधे सीधे बोल, कहाँ से आया है, तेरा नाम? जय रैंक और प्रांग। भैया बिना गुस्सा उसका थोड़ा कम कीजिए। उधर 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 उधर। मेरा नाम नाम है नासिर आलम सिद्दीकी, जमशेदपुर से हूँ भैया। और भैया जहाँ तक जय रैंक का सवाल है, वो कुछ था दिया ही नहीं। अरे अरे वाह, और तुम पहले ही दिन जो सुंदर कन्या बता रहे हो। अरे अरे भैया, गलत समझ रहे हो, ये मेरी दोस्त है। अच्छा, बहुत हमसे सिखा रही है, बढ़िया दे रहा है। ये मेरी दोस्त गायत्री है, हम दोनों आज ही जो इंडस्ट्री प्रोग्राम नहीं चल रहा हूँ वहीं पे मिले। पहला ही दिन है, हम दोनों का ग्रुप ही एक ही है भैया। पहला दिन है, दोस्त भी बन गए, तो सोचते हैं कि थोड़ा कॉलेज घूम के देख ही लेते हैं। और शिकारी आ रहा है। और भैया जी शिकारी दूर दूर ऊपर दूर होके सुनिए तो भैया जी, जहाँ तक लड़की बनाने का सवाल है ना भैया, हम तो किसी सुंदर सी सीनियर को हवा में उड़ रहे हैं। अरे नहीं सुने, नाम भी बता दो। क्या? इंट्रोडक्शन, परिचय। ऐसा तो कुछ
कुछ नहीं कहा मैंने। अगर तू कुछ नहीं कहा चिल मैं तेरे साथ हूँ। ओके ब्रदर। ये जूनियर को हटाओ यार। अबे तुझ पे क्या, इन पे ज्यादा ममता आ रही है। अरे भाई फर्स्ट ईयर की थी यार, थोड़ा तो रहा साले तो भाई। अरे यार कर सुन ना भाई, तू ना अपनी छुई मुई हरकतें करना बंद कर। सीनियर है सीनियर, जूनियर नहीं। मार्क पर मार। वो सब उस उम्र से गुजर रहे होते हैं जहाँ अहंकार और आत्मसम्मान दोनों अपने चरम पे होता है। ध्यान देने की बात ये है कि सीनियर हो या जूनियर, गलती सबसे हो सकती है। रोटी खाना है तुम्हें अंकल जी, ये लो अंकल जी एक और रोटी दे दीजिए। बहुत ये बच्चा मेरे बीच बहुत बोल रहा है। तो का कभी कॉलेज में देखा नहीं। सही है। अरे सर चुप बना लो फायदा में रहो। तो कहाँ पर रही हो? पहले थोड़ी ना बोला है। बोले बॉयफ्रेंड बना लो फायदा में रहो। कुछ बोल लो, गुंगी उंगी होगा। अरे बोल बोल। अरे हम पैसा लग रहा है क्या, कहीं देखे कहाँ देखो याद नहीं आ रहा। वो नहीं दिखाएंगे, हम याद दिला देंगे। अरे हाँ जो उस दिन बिना इंट्रो दिए भाग गई थी। ये वही मोहतरमा है जो उस दिन भाग गई थी बिना इंट्रो दिए। उस दिन नाम पूछा था तो इसे Yeah.
ऐसी घटनाओं को देख के मेरे मन में हमेशा एक सवाल पैदा होता है, रैगिंग की शुरुआत कहाँ हुई होगी? क्या प्रचलन कैसे बना रहा? सिर्फ एक ही कारण के वजह से कि हम भी सताए गए हैं तो तुम भी सताए जाओगे और हमारी बेइज्जती का बदला तुम्हारी बेइज्जती होगी। परंपरा इस संदेश दोस्त अनुसार कॉलेज का मेरा पहला दिन था, बहुत सारे सीने सीमा उनमें से मैं भी एक थी। मैंने बहुत मना किया सबको, मत करो ये गलत है, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं बहुत डरती गई हूँ, से अब बर्दाश्त नहीं होता ये सब। मुझे ये आखिरी कदम मारोगी, उठाना ही पड़ेगा। कितने दिन और कितनी रात मैंने इसी तरह रोते बिलखते गुजारी है, क्योंकि मेरी तरह उस शिकार ने अपने दुखों का बदला अपने जूनियर में दिया। अगर इस बदले की आपको सीनियर ये सोच कर समाने कि हम जो जिस कष्ट से गुजरे हैं वो किसी और जूनियर को कष्ट देना ना पड़े, तो फिर इस समस्या का समाधान हो सकता है। रैकिंग नहीं बस एक इंट्रोडक्शन था, इन सबको रैकिंग और इंट्रोडक्शन के बीच का फर्क भी नहीं पता। मैंने मेरा बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैं मेरा रैकिंग लिया गया था। मुझे सबके सामने बुलाया गया, मेरे को मारा गया, मेरे को फेंक दिया गया, मेरे कॉलेज तक पकड़ा गया, मैं और ऊपर से ऊपर मेरे को लेकिन हम ये भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये इंसिडेंट होते हुए देखा है। आखिरकार इंसिडेंट को चुपचाप होते हुए देखना भी उनमें पार्ट लेने के बराबर ही होता है। आंखें ऊंची कर देख शिकार हथियार उठा तू दिखा।
आ, 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 आ,